नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में एक हम कॉमन चीज़ लेके, जो कि हमारी अधिकतर वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, सब में आपको दिखेगा, वो है कि जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें बैक टू टॉप का बटन मिलता है या स्क्रॉल टू टॉप का बटन मिलता है। तो जैसे हमने स्क्रॉल किया और फिर हमें सीधा टॉप पे जाना हो तो हम उस पर क्लिक कर देंगे तो सीधा वो टॉप पे चला जाएगा। तो उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास दो मॉड्यूल है अपने ड्रुपल वेबसाइट, ड्रुपल के प्रोजेक्ट में। एक है एक स्क्रॉल टू टॉप और दूसरा हमारा बैक टू टॉप। दोनों ही सिमिलर हैं, लेकिन कुछ फंक्शनैलिटी कुछ में थोड़ी बहुत डिफरेंस फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो हम दोनों को ही कवर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके इसको इनेबल करते हैं। सबसे पहले स्क्रॉल टू टॉप देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं मॉड्यूल के पेज पे। मॉड्यूल की सबसे पहले स्क्रॉल टू टॉप यूज़ करते हैं, तो ये रहा स्क्रॉल टू टॉप, इसको हम लोग इनेबल करते हैं। सेव कॉन्फ़िगरेशन, सेव हो गया। कॉन्फ़िगरेशन पेज पे चलते हैं। ये देखिए, आप यहाँ से इसका लेबल भी चेंज कर सकते हैं, जो कि भी आपको यूज़ करना हो। जैसे गो अप, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने टॉप पे जाने के लिए। जो मैसेज यूज़ करना चाहते हैं, आप इसकी पोजीशनिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपको लेफ़्ट में चाहिए, मिडिल में चाहिए, राइट में चाहिए, आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, किसी भी कलर का चाहिए। ठीक है, आपको डिस्प्ले लेबल टेक्स्ट अंडर द बटन, ये आपको उसके अंदर दिखेगा। ठीक है, इसको सेव करके देखते हैं कैसा दिखता है। ये देखिए, ये हमारा आ गया बैक टू टॉप। ठीक है, देखिए आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, बैक टू टॉप। ठीक, किसी भी पेज पे जाएंगे, सब पे आ गया। ये देखिए आ गया बैक टू टॉप। ठीक है, और थोड़ा कस्टमाइजेशन करके देखते हैं। कलर चेंज करके देखते हैं। ठीक, सेव करते हैं। देखिए, यहीं पर आपको पता चलेगा होवर पे कलर चेंज हो रहा है इसका। ठीक है, ये देखिए, तो आप जैसा आप रखना चाहें वैसा कर सकते हैं। ये देखिए चेंज हो गया। ये देखिए, दूसरा मॉड्यूल यूज़ करते हैं दोस्तों, जो कि हमारा बैक टू टॉप। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इसको डिसेबल करेंगे और उसे इनेबल करेंगे। तो पहले स्क्रॉल टू टॉप को हम डिसेबल करते हैं। उसके बाद बैक टू टॉप को हम, ये जो हमारा बैक टू टॉप है इसको हम इनेबल करते हैं। ये हमारा बैक टू टॉप, इसकी कॉन्फ़िगरेशन दे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट मोबाइल में अगर आपको यूज़ करना हो तो आप मोबाइल स्क्रीन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट ऑन द फ्रंट पेज, अगर आपको के फ्रंट पेज पे चाहिए तो आप फ्रंट पेज पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पेज पे ही बैक टू टॉप का ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ पर वो यूआरएल सेट कर सकते हैं। जो भी आप यूआरएल सेट करेंगे, केवल उसी ही, अगर आप ऑल पेज पे सेट करेंगे तो ऑल पेज पे आएगा। अगर आप ओनली लिस्टेड द पेज व्यू सेट पेज पर करते हैं तो जो भी आप यहाँ पर पेज का नाम डालेंगे, यूआरएल डालेंगे, केवल उसी पेज पे आएगा। ठीक है, ट्रिगर कितने स्क्रॉल डाउन करते समय आपको वो बैक टू, जो भी आपका इमेज है वह बटन है, वो अपीयर हो जाए, उसके लिए यहाँ पर वो सेटिंग है। ठीक है, प्लेसमेंट आप कहाँ भी इसको रखना चाहते हैं, राइट बॉटम में, लेफ़्ट बॉटम में, टॉप बॉटम में, जहाँ भी आप रखना चाहें
यहाँ आप देखिए, आप या तो इमेज आप यूज़ कर सकते हैं या तो आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए टेक्स्ट यूज़ करना होगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इमेज लेकर चलते हैं, सेव कराते हैं। ये देखिए इमेज आ गई बैक टू टॉप का, ये देखिए। ठीक है, ट्रिगर था अभी हमारा 100 है, तो जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे जैसे 100 वाले मिल जाएगी आ जाएगा। ठीक है, चेंज करके देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट इन सीएसएस यूज़ कर लेते हैं और इसको यहाँ पर 200 कर देते हैं। आप टेक्स्ट इन सीएसएस यूज़ कर रहे हो तो आप कोई भी आप कलर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर जो आप चाहते हैं, जिस टाइप का भी आप कस्टमाइजेशन चाहते हैं। सेव करते हैं। ये देखिए बैक टू टॉप। अब जो पहले हम इमेज यूज़ कर रहे थे, इमेज नहीं, अब ये लेबल जो भी हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं इसके ऊपर वो आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो कि हम अपनी वेबसाइट पे कैसे बैक टू टॉप या स्क्रॉल टू टॉप यूज़ कर सकते हैं। जो भी अपने आप प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। सभी वेबसाइट्स में फंक्शनलिटी होती है कि यूज़र फ्रेंडली की थोड़ा रहे कि जब स्क्रॉल किया है तो उसको बैक टू टॉप का ऑप्शन मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।